স্টেডিয়াম বুলেটিনের জন্য আমরা এক্সক্লুসিভলি কথা বলছি এমন একজন মানুষের সঙ্গে যিনি ব্যাটসম্যানশিপকে রিপ্রেজেন্ট করতেন ইন দ্য 70s টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট দ্যাট হি ওয়াজ কল্ড দ্য এশিয়ান ব্র্যাডম্যান। উনি শুধু রানই করতেন না, মোর ইম্পর্টেন্টলি ইউজ টু স্কোর রানস উইথ দ্য স্টাইল উইচ ব্রট দ্য অডিয়েন্স অন টু দ্য ক্রিকেট গ্রাউন্ড। জাহির ভাই কলকাতা কে চ্যানেল মে কলকাতা মে বহুত সারে ফ্যান্স হ্যায় আপকো বহুত বহুত শুকরিয়া পার্টিসিপেট করনে কে লিয়ে। ওয়েলকাম। আপকা দোস্ত তো কিশোর বিমানি গুজর গয়ে, বেচারা গুজর গয়া। হ্যাঁ, ও জব ভি আতে থে তো পাকিস্তান জব ভি আতে থে তো মেরে ঘরে রহতে থে, মেরে সাথ হি রহতে থে। যহাঁ পর ভি ম্যাচ উন্হোনে কভার করতা হ্যায় তো ম্যাচ উন্হীঁ কে সাথ জায়েগা, তো লিহাজা হামারি ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন। अभी भी कलकत्ता, नॉट ओनली जस्ट इन कोलकाता बट एवरीवेयर इन इंडिया इतने सारे फैंस होते थे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, पर्सनल यू नो कैप्टिव ऑडियंस होते थे, मजीद खान, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, इमरान खान, वसीम अकरम। बट अभी इसी जमाने में इतना नहीं है, क्यों, व्हाई इज दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट? ये हमें भी बहुत अफसोस है इस बात का, होने चाहिए और होंगे, ये नहीं है कि नहीं होंगे, तो और थोड़ा सा टाइम लगेगा जो, लेकिन ये है कि कब तक नहीं होंगे, पहले तो थे ना, बिल्कुल बीच में गैप आया। अब वेस्ट इंडीज की टीम देख लें, वेस्ट इंडीज की टीम वन ऑफ द बेस्ट थी इन द वर्ल्ड, उन्होंने कई वर्ल्ड कप जीते, बीच में यहाँ पे ऐसा दौरा है कि वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते, उनकी कहीं स्टैंडिंग ही नहीं है, तो इस वक्त पाकिस्तान की भी ये है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से आप इस चीज़ को रिकवर कर जाएंगे। समवन हू जस्ट लुक्ड अप इंडियन क्रिकेटर्स, बहुत दिल वाला क्रिकेटर, मतलब आप बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स की हैव हेल्प अजर एक्नोलॉजी पब्लिकली एक्नोलेज्ड। सौरभ गांगुली हैज रिटन हिज बुक हाउ यू हेल्प्ड हिम। What stops Babar Azam from asking Zahir Abbas कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, गलती क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, हमसे बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये है कि जैसे उनको प्रॉब्लम होगी, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई उनसे कभी आज तक, बहुत पहले हुई थी, बहुत पहले, कई साल पहले, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो इंशाल्लाह समझा दिया जाएगा, और ऐसा प्लेयर जो कि काफ़ी अच्छा है, उसकी उसकी जो है रेटिंग बहुत अच्छी रही है आईसीसी में एंड ऑल दैट, सो उसमें जरासीम हैं कि वो ऊपर आए और टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में दोबारा वही मुकाम हासिल करे जो उसका पहले था, और मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखें बास प्लेयर्स जो हैं, अब देखिए अगर उसके साथ कोई और प्लेयर स्कोर करने वाला हो, कंपटीशन देने वाला हो, तो वो भी इम्प्रूव करेगा। अब दूसरे प्लेयर जो हैं वो कंपटीशन ही नहीं दे रहे, लिहाजा वो इज रिलैक्स्ड, उसको स्कोर करना चाहिए, उसको अपना देखना चाहिए, अगर खुद अपना करेगा तो टीम का स्कोर होगा, लिहाजा उनको दूसरों को नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बाबर आजम को कि भाई आप अपना देखो, क्योंकि ये आपका स्कोर है, टीम का स्कोर तो जब खुद करोगे तो टीम का भी स्कोर हो जाएगा, लिहाजा कॉन्सेंट्रेट। नहीं, इतने सारे मशहूर इंडियन प्लेयर्स केम टू यू फॉर एडवाइस, पाकिस्तान में नया जनरेशन आपके पास आता नहीं? हमारे यहाँ ये बातें जानने का कोई तरीका नहीं है किसी का, वरना वो कहते हैं कि जी इस पर टैग लग जाएगा कि ये ज़हीर अब्बास से सीखा है या मुश्ताक मोहम्मद से सीखा है या किसी और प्लेयर से सीखा है, हमारे यहाँ ये अभी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। ज़हीर भाई आप इंडिया, इतने सारे दोस्त हैं इंडिया में, आप इतना मशहूर है इंडिया में, डिड इट हर्ट कि आपका वीसा जब गॉट रिफ्यूज फॉर वर्ल्ड कप, डिड इट हर्ट यू बैडली? क्या वर्ल्ड कप के टाइम में आपका वीसा का एप्लीकेशन? हाँ, मैंने अप्लाई किया था वीज़े के लिए अहमदाबाद में टेस्ट मैच, सॉरी वर्ल्ड कप वर्ल्ड फाइनल, तो मैंने अप्लाई किया था कि जी मुझे मिलेगा तो जाके इंजॉय करूँगा, उस वक्त इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, तो वीज़ा नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि तो फॉर्मर आईसीसी प्रेसिडेंट हो चुके हो,
बहरहाल चाहिए चाहिए था कि वीज़ा मिल जाता तो हम भी जाके इंजॉय कर देते। क्या बोला गया उसमें, क्यों वॉइड डिलीट? बस नहीं मिला, नहीं मिला। हो सकता कोई वजह हो, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये है कि अफसोस हुआ कि नहीं मिला। अब तो कानपुर का दामाद भी हो मतलब जो भी है, बहरहाल हमें नहीं मिला। ज़हीर भाई, एक कलकत्ता में आप खेले नहीं, लास्ट टेस्ट मैच में 79 में यू विथड्रू योरसेल्फ, क्यों? क्योंकि मेरी फॉर्म नहीं थी। अच्छा, तो मैंने आसिफ इकबाल को कहा, आसिफ यार मैं नहीं खेल रहा। कहें भाई क्यों, क्या क्या मुसीबत हो गई? मैंने कहा नहीं, मेरी फॉर्म ही नहीं है, बेहतर है मैं उसको जगह दूँ जिसकी फॉर्म हो या जिसने अच्छा स्कोर किया हो मैचेस में दूसरे। तो देन आई ड्रॉप माई सेल्फ। आई थिंक ये एक अच्छा सा अच्छी बात है कि जब आपको खुद कॉन्फिडेंस ना हो कि आपकी फॉर्म नहीं आ रही। वापस ऐसा सचमुच कि आप सोच रहे थे कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा था ऐसा कुछ? ये बोला गया इमरान के किताब में भी एक ब्लैक मैजिक। इमरान आपको पता ही है ऐसी बातें करता है। लिहाजा ब्लैक अगर मैजिक हुआ होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझसे रन्स नहीं बन रहे थे। और कराची में भी लाखरी जब आपका बेनिफिट मैच, दे सेड विल गिव यू फेयरवेल लास्ट मैच, उसमें भी आप नहीं खेले 85 में लास्ट आफ्टर बेनिफिट। हाँ जी, फेयरवेल मैच हो सकता। हाँ जी, वो मैं नहीं खेला था वो, उसको यू राइट 100% राइट। बस तबीयत की बात है। वो कहते ना कि जब नाम हो तो नाम ख़राब नहीं करना चाहिए, लिहाजा अपने नाम ख़राब होने से अपने आप को बचाया था मैंने। मैंने कहा भाई थैंक यू वेरी मच क्रिकेट, थैंक यू। थोड़ा लगता है आपका कोई आर्टिस्ट का टेम्परामेंट है, खेलते भी ऐसे आर्टिस्ट की तरह, मतलब टाइमिंग, क्लास, फ्लेयर, दिमाग में भी आप थोड़ा आर्टिस्ट की तरह हो कि लाइक ए पोएट, मोर लाइक एन आर्टिस्ट, ऐसा सोच आपका सोच है? बाज लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ खूबसूरती से करना, हमारी भी आदत थी हर चीज़ को अच्छी सी बना के दुनिया के सामने पेश करना। हमने जब तक अच्छी तरह से पेश किया, दिल से पेश किया, और जब पेश ना कर सके उस वक्त क्रिकेट को थैंक यू बोल दिया। क्या बात है। आपका कोई फेवरेट गाना है ज़हीर भाई, कोई फेवरेट गाना जो आपकी ज़िंदगी का मंत्र है, ऐसा कोई गाना है? देखिए जी, गाने तो बहुत से हैं, लेकिन एक नूर जहाँ का गाना था, वे मुंडिया सियालकोट या तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, तो मैं भी सियालकोट का हूँ, तिल भी है, लिहाजा आपने ऐसे मिला लिया। और वो गाना बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, और लिहाजा वो मेरा फेवरेट गाना है। उसी ज़माने में तो आपका कोई फिजियो नहीं था, फिटनेस नहीं था, मतलब कोई नहीं था, तो फिटनेस एक्सरसाइज भी आप लोग इतना नहीं करते, आप इतना लंबा सारे इनिंग्स खेला, 240, 274, 100, 100, कैसा पॉसिबल? भाई मेरे, आपको मैं क्या बताऊं कि काउंटी क्रिकेट भी खेला करते थे, टेस्ट क्रिकेट भी खेला करते थे, ओडीआई भी खेला करते थे, समझे? और फिर पाकिस्तान का टूर आता था तो वो किया करते थे, लिहाजा हम तो साल भर क्रिकेट खेला करते थे। बिल्कुल, समझे? लेकिन कॉम क्या एक्सपेक्ट करती थी हमेशा, ज़हीर साहब स्कोर करें, 40 अगर स्कोर कर देते थे तो लोग को मैं बोलते फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। अरे भाई अच्छा फेल हो गया यार, अब क्या करें, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, और अगर बढ़ जाती हैं तो बाज़ों का तो ऐसा होता था कि जब हम वैन से पूरी टीम जाया करती थी होटल की तरफ, या हम होटल से ग्राउंड की तरफ जाया करते थे, तो लोग ज़हीर अब्बास आज कितने, आज 200 करना है, 200 करना है। मैं बीच में हंसा करता था, मैं गया दूसरे के पास बॉल है, मेरे पास बैट है, तो इतना आसान नहीं होता जितना, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बोला जाता था एशियन ब्रैडमैन, आपने खुद ब्रैडमैन को कभी मिला? जी बिल्कुल मिला, मैं एडिलेड में मिला 71 में, जब मेरा नाम आया वर्ल्ड 11 में, तो मुझे मिलने आए डॉन ब्रैडमैन, कहाँ पर? एट द एयरपोर्ट।
कहें ज़हीर मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारी कलाई देखने आया हूँ। मैंने कहा मेरी कलाई में क्या है? यू नो मैंने मजाक के तौर पे अपने आप से बात की तो कहने के नो ये वी हैव डन वेरी वेल आई नाइस टू सी योर रेस्ट एंड ऑल दैट कीप इट अप कीप इट अप। तो वी यूज टू सिट टुगेदर एंड टॉक हैव कॉफी एट एडलेड होटल एंड ऑल दैट। Once upon a time, I bought an opal for my mother. Okay. Big opal. So I was coming back from the bazaar. So I saw Don Bradman sahab sitting there. So Z kahan ja rahe hai? Maine where are you going? I'm going to my room. Come here and sit with me. What have you bought? I said I bought my opal. Hmm. Oh, this is for your girlfriend? Yes. I said, no, this is not for my girlfriend. This is for my mother. Hmm. Oh, those days have gone when the boys used to buy these kind of expensive things. For mother? For mother. Any batting tips you received from him? No. But we used to talk and, you know, I used to enjoy his company, and he was a very good man, very, very good. Short, okay. Not very tall, yeah. But a great man. Sahib bhai, Pakistan ka all-time best 11 kya hoga? Yaar, is waqt to aap pehle bolte to main kuch likh ke le aata. Phir bhi, Hanif Mohammad sahab, Majid Khan. Phir opening mein. अब देखें ना, किसी का नाम मैं भूल जाऊंगा तो अच्छा नहीं होता, लिहाजा मैं इस चीज़ को टच नहीं करना चाहता। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं। हु इज़ द फाइनेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर अकॉर्डिंग टू यू? फाइनेस्ट पाकिस्तान का फाइनेस्ट क्रिकेटर किसको बोलेंगे आप? देयर आर टू मेनी ओके, कांट नेम यू वन। ओके, वसीम अकरम वॉज गुड। Fazal Mehmood was very good. Imran was good. He won the World Cup. Mm-hmm. So his name was big because of the World Cup. And so many others. Hanif Mohammad. Javed Miandad. And I tell you, Asif Iqbal and all that, you know. Oh, our team used to be entertaining team. Absolutely. Absolutely. Very entertaining. Absolutely. And the people, they love to see our team batting or bowling, whatever. We were class at that time. ये बोला जाता है इंडिया पाकिस्तान के में इतना टेंशन है, but we used to hear कि सारे लव लेटर्स आते थे ज़ाहिर अब्बास और इमरान खान के पास इंडिया से। बस देखे जी, बस ये तो लाइकिंग की बात है ना, ये लाइकिंग। आप दोनों रूममेट भी थे? हम लोग बिल्कुल थे, हमारा काफ़ी एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती थी, मिलते थे, गप्पे शप्पे मारते थे और इंडिया भी साथ आते थे बगैर क्रिकेट मैचेस के एंड ऑल दैट। बिल्कुल, हम लोग सिंगापुर चले जाते थे, सो मैनी थिंग्स, यू नो, जैसे कि दोस्त करते हैं। तो वी वर क्लोज। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारी टीम जो है दोबारा से बहुत अच्छी हो जाए, ये बड़े बड़े जैसे पुराने नाम थे उसी की तरह से और प्लेयर आए और लोग इसी तरह से एंटरटेन हों बाय द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ज़हीर भाई, आखिरी सवाल, इफ अ पाकिस्तानी बैट्समैन अप्रोचेस यू फ्रॉम द करंट टीम कि ये बुमराह को खेलना बहुत मुश्किल है, क्या करूँ मैं, व्हाट वुड यू टेल हिम? बुमराह जो है जी, वो मुश्किल बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए हर बॉलर का तोड़ तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि तोड़ नहीं है। लिहाजा वो आप देखिए, उनको टीवी पे देखिए कि अंदर लाते हैं, बॉल बाहर लेके जाते हैं, ग्रिप देखे, 100 चीज़ें होती हैं। आजकल तो टीवी पे सब कुछ आ जाता है, सीखना बहुत, हमारे ज़माने में तो इतना आसान नहीं था, अब तो बहुत आसान हो गया, वीडियो एनालिसिस भी है। बिल्कुल, तो अगर सीखना हो तो सीख सकते हैं, हर चीज़ सीखी जा सकती है। बैटिंग जब आपने क्रिकेट सीखी थी तो आपने किससे सीखी थी?
किसी से सीखी तो नहीं थी ना, खुद ब खुद सीखी थी। लिहाजा ये भी ऐसा है, बुमराह नो डाउट कि बड़ा मुश्किल बॉलर है, उसको भी हैंडल किया जा सकता। अब रोहित शर्मा को कभी मिला? रोहित शर्मा को मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा बैट्समैन लगता है, बहुत ही अच्छा बैट्समैन। व्हेन यू वॉच हिम इन वन डे की T20 में लगता है कि मॉडर्न डे ज़ाहिर अब्बास है? मैं आपको ये बताऊं कि ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले स्ट्रोक्स, यही एक ग्रेट बैट्समैन की निशानी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जाहिर भाई। हमारे आज के वन एक्स बैट निवेदित स्टेडियम बुलेटिने आज के स्पेशल गेस्ट छिलेन ज़ाहिर अब्बास। ज़ाहिर भाई थैंक यू सो मच एंड लवली हियरिंग यू ऑल द टाइम। थैंक यू।